Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello student, today I am going to start lesson 2 of English literature class 6B Hindi medium. Lesson name kya hai? The cow with blunt nose. एक काय जिसकी ब्लंट नोज है, नोज मतलब चपटी हुई है, देखने में अच्छी ना लगे ऐसी उसकी नोज है. तो नेक्स्ट आगे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. इन अ हैमलेट नियर ब्रिस्बेन देयर लिव्ड अ काउ विद ब्लंट नोज. हैमलेट मीन्स होता है एक गांव. ब्रिस्बेन के निकट एक गांव जहां पर एक गाय रहती थी जिसकी नाक क्या थी, चपटी. एक चपटी नाक वाली गाय रहती थी. सी डिड नॉट गेट इट ड्यू टू एनी एक्सीडेंट. यह उसका किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ था, बट सी वॉज बॉर्न दैट वे. अभी तो उसका जो ये नाक है वह जन्म से ही क्या थी, चपटी थी. हर मदर वॉज टू ग्लैड वेन सी वॉज बॉर्न एज सी वॉन्टेड अ गर्ल चाइल्ड. उसकी माँ बहुत खुश थी जब उसका जन्म हुआ था, वह एक गर्ल चाइल्ड चाहती थी. गर्ल चाइल्ड क्या होता है, गाय की को के गर्ल चाइल्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, बछिया बोलते हैं. तो वह क्या चाहती थी, एक बछिया चाहती थी जिससे उसकी माँ बहुत खुश थी. हर मदर केप्ट हर लाइक अ प्रिंसेस. उसकी माँ उसे एक प्रिंसेस की तरह रखती थी. प्रिंसेस मतलब राजकुमारी की तरह रखती थी. बट अदर्स मतलब जो दूसरी गाय थी, ऑलवेज मेड अ मॉकरी. वह हमेशा मॉकरी बनाती थी. मॉकरी मतलब उपहास उड़ाना, हंसी उड़ाना ऑफ हर, उसका. ड्यू टू हर ब्लंट नोज दैट दे फाउंड अगली. उसकी ब्लंट नोज की वजह से उसका क्या करती थी, मॉकरी बनाती थी, क्योंकि वह देखने में अगली लगती थी. अगली मतलब बदसूरत. सी वॉज ऑलवेज डिसअपॉइंटेड विद हर लाइफ. वह अपनी लाइफ से हमेशा डिसअपॉइंटेड थी, मतलब दुखी रहती थी. एंड सी स्पेंड हर चाइल्डहुड इन लोनलीनेस. उसने अपना बचपन अकेलेपन में गुजारा, मतलब अकेले गुजारा, अकेले रहती थी, किसी से बोल मतलब बात नहीं, क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करते थे, इस वजह से वह अकेले रहती थी. हर मदर ऑलवेज ट्राइड टू कम्फर्ट हर एंड टोल्ड हर दैट सी वॉज ब्यूटिफुल, बट ऑल हर इफर्ट्स वर फ्यूटाइल. तो उसका बचपन तो हमेशा अकेलेपन में गुजरा, और उसकी माँ उसको हमेशा ये कहती थी कि वह बहुत सुंदर है, पर उसके लिए सब व्यर्थ था, क्योंकि वह रियल में सुंदर नहीं थी. सी इवन स्टॉप्ड लुकिंग इनटू द मिरर एज वेन सी डिड इट. वह स्वयं को दर्पण मतलब शीशे में देखना बंद कर दिया. सी फेल्ट एक्सक्रूसिएशन, क्योंकि जब भी वह शीशे में देखती तो अपने आप को दर्द से पीड़ित महसूस करती. एक्सक्रूसिएशन मीन्स क्या होता है, दर्द से पीड़ित महसूस करना. वेन सी ग्रू अप, जब वह बड़ी हुई, सी डेस्परेटली लॉन्ग फॉर अ फ्रेंड बट नन केम अहेड विद एन एप्रिसिएशन फॉर हर. जब वह बड़ी हुई तो उसे एक मित्र की आवश्यकता थी, सभी फ्रेंड बनाना चाहते हैं, पर उसका कोई मित्र नहीं बना. वन डे आफ्टर लॉट ऑफ कंटेम्पलेशन सी डिसाइडेड टू ब्रिंग हर लाइफ टू एन एंड. एक दिन बहुत सोचने के बाद उसने अपने जीवन का अंत करने का सोचा कि अब मैं वो मतलब अपना जीवन खत्म कर दूंगी. सो सी थॉट ऑफ सेवरल वेज. उसने बहुत सारे तरीके सोचे कि किस तरीके से मरा जाए, किस तरीके से अपनी लाइफ को खत्म किया जाए. एंड फाउंड ड्रोनिंग हरसेल्फ, और अपने आप को ड्रोनिंग करना चाहा. इन द नियर बाई रिवर द बेस्ट ऑप्शन. नदी में डूबकर मरना उसने बेस्ट ऑप्शन समझा. बिफोर सी लेफ्ट फॉर द डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले सी वेंट अराउंड हर हट. वह अपनी झोपड़ी के चारों तरफ गई. एडमायर्ड हर बार्न हर कोजी बेड हैड अ लुक एट ऑल गिफ्ट्स दैट हर मदर गेव टू हर. नदी पर जाने से पूर्व वह झोपड़ी के चारों तरफ घूमी, अपने बाड़ा को सराहा. बाड़ा क्या होता है, जो उसका घर होता है, बार्न मीन्स अपना बाड़ा, उसको सराहा. अपने सोने के स्थान को और अपनी माँ के द्वारा दिए गए तोहफों को निहारा, देखा. फिर उसके बाद एंड फाइनली सी हग्ड हर मदर. लास्ट में उसने अपनी माँ को हग किया, गले लगाया, किस्ड हर, उसे चूमा. एंड हैड सम लाइट चैट विद हर विदाउट गिविंग हर स्लाइटेस्ट आइडिया ऑफ हर इंटेंशंस. और उनकी हल्की फुल्की
बातें भी की ताकि उसकी माँ को उस पर किसी प्रकार का संदेह ना हो। नेक्स्ट आगे आते हैं, When she reached the river, जब वह नदी के पास पहुंची, she sat at the edge for a while, वह थोड़ी देर वहीं पर किनारे बैठी, she was pensive about her past, वह अपने पास्ट को देखकर बहुत दुखी थी और विचार कर रही थी, सोच रही थी, all the bad and few good moments that it encompassed, जो उसने पास किए थे अच्छे मोमेंट या बुरे मोमेंट, while thinking, सोचते समय, हर आईज कॉट हर रिफ्लेक्शन इन द रिवर, वह अपनी आईज का रिफ्लेक्शन नदी में देखती है, सी कुड सी हर ब्लंट नोज, वह अपनी चपटी नाक को देखती है, सो सी गॉट अप दैट वेरी मोमेंट एंड स्टार्टेड स्टीपिंग डाउन द रिवर, उसी समय वह खड़ी हुई और नदी में उतरने लगी, स्टीपिंग डाउन नीचे उतरने लगी नदी में। इसके बाद सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पार्ट सेकेंड ऑफ लेसन टू इंग्लिश लिटरेचर क्लास 6B। नेक्स्ट स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा, जो गाय थी वह नदी पर अपने आप को खत्म करने के लिए जा चुकी है और नदी में उतर रही है नीचे की तरफ। उसी टाइम अ क्रो वॉज फ्लाइंग बाई एंड सा द काउ, उसी समय एक कौवा ऊपर से उड़ रहा था और उसने गाय को देखा। ही गॉट अलार्म्ड and warned her not to move ahead as she would get drowned. फिर वह सतर्क हुआ, देखा और गाय को आगे बढ़ने से रोका और कहा कि वह डूब जाएगी, वह सोच रहा है अभी ऊपर से। She told him that she wanted to drown herself. वह गाय ने उत्तर दिया, गाय से ही बोला कि वह डूब जाएगी। फिर गाय ने उत्तर दिया कि वह डूबना चाहती है, सी वॉन्टेड टू ड्रोन हर सेल्फ, वह अपने आप को मतलब उसमें डुबाना चाहती है। ऑन बिगिन इंक्वायर्ड बाय क्रो, सी टोल्ड हिम द होल स्टोरी बिहाइंड इट, और जब कौवे ने पूछताछ की तो गाय ने अपनी सारी स्टोरी बताई कि वह ऐसी है, सही अच्छी नहीं दिखती, जिससे उसके पास फ्रेंड नहीं है, ये सारी चीजें उसको कौवे को बताया। द क्रो फेल्ट पिटी फॉर हर, जो कौवा था उसे गाय पर बहुत दया आ गई। बट लेकिन टोल्ड हर, और उसे कहा, दैट सी शुड बी अशेम्ड ऑफ हर सेल्फ, कि गाय को स्वयं पर शर्म आनी चाहिए कि तुम शर्म करो कि तुम मरने जा रही हो, अपने आप को खत्म करने जा रही हो। नॉट बिकॉज सी वॉज अगली और समथिंग, ऐसा नहीं क्योंकि वह अगली है इसलिए नहीं, और समथिंग, बट बिकॉज सी डिसाइडेड टू क्वाइट हर लाइफ इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ वर्ल्ड फेल्ट अबाउट हर। क्या बोला, यह इसलिए नहीं कि वह भद्दी है, दिखने में सही नहीं है या कुछ और, पर इसलिए वह अपने जीवन को का अंत दूसरों के कारण कर रही है। वह अपने आप को खत्म कर रही है, क्यों, क्योंकि दूसरे उसको सही नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, द क्रो एक्सप्लेन्ड टू हर दैट सिंस ही वॉज ऑल बैक एंड अगली एंड हिज वॉइस वॉज होर्स, उसके बाद कौवा जो है वो अपने बारे में बताता है कि कौवे ने वह बताया कि वह खुद काला और इतना भद्दा है, उसकी वॉइस, उसकी आवाज क्या है, बहुत खराब है। ही नेवर स्टॉप्ड लिविंग लाइफ, फिर भी उसने अपने लाइफ को कभी भी खत्म नहीं किया। नेक्स्ट, ही नेवर स्टॉप्ड फ्लाइंग हाई इन द स्काई, वह कभी भी आकाश में बहुत ऊंचे तक नहीं उड़ सकता है। ही रीजन टू हर दैट सी शुड लिव, तो ये सब उसने उसको बताया तो उससे क्या कहता है कि तुम्हें जीवित रहना चाहिए, उसे जीवित रहना, उसने समझाया कि गाय अपना जीवन जिए क्योंकि जीवन खूबसूरत है। आगे देखिए, एक्सप्लोर न्यू पास्चर्स ट्रेड न्यू प्लेसेस ईच डे दैट सी शुड लिव बिकॉज लाइफ वॉज ब्यूटीफुल, लाइफ क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, एंड मीन्ट टू बी एडमायर्ड, एंड इफ सी कुड नॉट एडमायर लाइफ हाउ कुड सी एक्सेप्ट अदर्स टू। तो वही सारा उसने बताया कि उसकी आवाज कर्कश है और उसे बहुत ऊंचे तक उड़ना भी नहीं आता, तो उसने समझाया गाय को कि अपना जीवन जिए क्योंकि जीवन खूबसूरत है और जीवन की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर वह अपने जीवन की प्रशंसा नहीं करेगी
तो वह दूसरे से क्या उम्मीद करेगी, एक्सपेक्ट अदर्स टू, एंड दैट टर्न आउट टू बी द आई ओपनिंग इंसिडेंट फॉर हर। ये सारी चीजें उसके लिए क्या थी, आंखें खोलने वाली थी। सी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हिम होल हार्टेडली एंड वेंट बैक टू हर होम रिजॉइसिंग फीलिंग बींग रीइनकैरिनेटेड। आफ्टर दैट दे सी कुड फाइंड फ्रेंड्स विद हर चेंज माइंड सेट एंड गॉट मैरिड and settled down in a short span of time and lived happy ever after। ये घटना गाय के जीवन में आंख खोलने वाली घटना साबित हुई। गाय ने कौवे का जो कौवा था उसका हृदय से आभार किया और अपने घर खुशी खुशी क्या हो गई, लौट गई। After that day उस दिन she could find friends with her changed mind। उसके जो फ्रेंड्स भी कुछ मिले जो उसका माइंड क्या हुआ था, बदला हुआ था। एंड गॉट मैरिड, फिर मैरिड एंड सेटल डाउन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड लिव हैप्पी एवर आफ्टर। तो हमेशा से क्या है, सही से रहने लगे। इस पोयम से हमें क्या पता चलता है, हमें किसी भी कंडीशन में अपने लाइफ का एंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू।